ठीक है, नेचुरल वे में आएंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे, कस्टमर को समझेंगे। कस्टमर अगर नहीं खरीद रहा है तो कमी मेरे में ही, कस्टमर नहीं खरीद रहा है कमी मेरे में, समझ गए? क्लियर हो गया सभी को? तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, इस पे फोकस करना है। इसके लिए कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ अपने बारे में बताया जा सकता है, कस्टमर के बारे में सोच के। जिस दिन कस्टमर के बारे में सोच के आप बोलना शुरू करोगे ना, उस दिन आप ज्यादा अच्छा बोल पाओगे। सर टैलेंटेड, टैलेंटेड कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस से बनेंगे, मेहनत से बनेंगे, बार बार कॉल करने से बनेंगे, गलतियां करके उसको सुधारने से बनेंगे। ठीक है, रटना जिस दिन बंद कर देंगे, समझना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन से टैलेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने जितने भी लोगों को काबिल बनाया है, जिस आईबीसी को भी काबिल बनाया, वो आज आगे हैं। वो आज एक भी टेंशन में नहीं रहता, डर में नहीं रहता, सर मेरा धंधा कैसे होएगा। उसको पता है सर एक बार काम तो चालू करा, धंधा तो मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो काबिल बन गया है। और जो काबिल नहीं बन पाया, अरे सर वो पहले तो आईबीसी में तो लोग बहुत अच्छा आ जाते थे, बहुत अच्छी मीटिंग में भी आ जाते थे, बहुत अच्छी फॉलोअप भी हो जाती थी, इधर तो कुछ हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है भैया? क्योंकि वो रट लियो थो उसने, रट रट के फॉलोअप करा लेता था, रट रट के फॉलोअप कर लेते थे, अब वो रटा हुआ सब काम आता नहीं इधर। समझ पा रहे हो? तो रटने की क्लास बंद करनी, समझने की, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की, उसको इम्प्रूव करने की क्लास चालू करनी। सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक, तो रटना नहीं है, रिलेशन बिल्डिंग करनी। तो चलिए एक आध कॉल और ले लेते हैं, मैं ही राजपूत सर को ले लेता हूँ। सुनील सर आप कस्टमर है मेरे साथ, ठीक है? गुड गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी थॉट। मॉर्निंग सर, हैप्पी थॉट्स, आप कस्टमर हैं, यस ठीक है? सर। और हम करेंगे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। अच्छा, बिल्कुल मैंने वेबिनार में बिठाया था क्या पिछले कस्टमर को? पिछले कस्टमर को वेबिनार में नहीं बिठाया ना मोहित जी? मैंने उसे बोला आराम नहीं, से वीडियो देख लो फिर बात करते हैं। बिल्कुल सर कोई जल्दी थी क्या वेबिनार में बिठाने की? यार नहीं सर। आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर फोन आ जाता है ऐसी मीटिंग के टाइम कोई कस्टमर का कि हाँ जी जी तो आप वो यही करते, सर मैं अभी ना मीटिंग में बैठा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप क्या करते हो, फटाफट से बात करते हैं 5 मिनट में, अच्छा आप ये करते हो, अच्छा ओके ओके ओके, चार छह वो रटे हुए सवाल जो रट रखे हैं, ओके ये तो रटे हुए तो पूछना ही है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं पूछना है, कुछ रटा हुआ नहीं पूछना है, सर जो उल्टा उसने एक ऑब्जेक्शन भी दिया, अभी बोला कि हाँ मेरा इंटरेस्ट आईबीसी से बात चल रहा है ऑलरेडी, और वो बोल रहा है कि सर जितना कमीशन मेरा आएगा वो मुझे वापस कर देगा, तो सर आप क्या करोगे वापस? मैंने बोला कुछ भी वापस नहीं करूंगा, आप आओ, अगर वो आपको वापस करे तो उसके पास चले जाए 10,000 बचाने के लिए, और मेरे पास आओगे तो हमारे पास इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि आपको लाख, 5 लाख, 10 लाख यहाँ पे कमाने सिखा दूंगा आपको, जो ऑलरेडी कमवाया है। तो बोला सर मैं आपके साथ ही आऊंगा। देखो, कभी आपको ऐसा कोई भी कस्टमर बोले या मेरी किसी और से बात चल रही है, वो तो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको बोलो सर डिस्काउंट वो देता है जिसको बेचना नहीं आता, और जिसको खुद बेचना नहीं आता वो आपको क्या सिखाएगा, वो भी आपको डिस्काउंट देना सिखाएगा। तो आप क्या बनना चाहते हो, डिस्काउंट दे के बेचना सीखने वाला आदमी बनना चाहते हो कि एक ऐसा आदमी जो लोगों को सपोर्ट करता हो? जैसे बहुत सारे आंसर दिए जा सकते हैं, पर चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। सुनील जी हमारे साथ हैं और करेंगे इनसे कॉलिंग की बात। रटना कुछ नहीं हुआ, मेरी हर कॉल ना अलग होती है, मेरी कॉल का, मेरा कोई कॉल पे रटा हुआ सिस्टम नहीं है। मैं तो सामने वाला जो सवाल जवाब देता है ना सुनील जी, उसके हिसाब से डिसाइड करता हूँ अगला प्रश्न क्या करना है, और ये अंदर से आता है और ये बिल्कुल अंदर से सर, आपको लाना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, सुनील जी से बात हो रही है? सुनील यस सर, नमस्कार सर, कौन जी, सुनील जी नमस्कार, सर? मैं अश्विनी दाने बात कर रहा था डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम से। जी सर बिल्कुल, यस सर बताइए। जी सर, आपका डिटेल आया था, आपने हमारे, हमें शायद हमारा वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, आपने अपना नाम मोबाइल नंबर दिया हुआ है, बताइए सर क्या मदद कर सकता हूँ? जी सर मैंने देखा था वहाँ पे कुछ अर्निंग के बारे में बता रहे थे सर, लर्निंग प्लस अर्निंग, तो जी, अर्निंग के बारे में मैंने देखा, तो मैं कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करना चाह रहा था। तो अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एप्रिशिएट करना चाहिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो जी बताइए सर। जी सर, तो वही जानना चाह रहा था सर कि कैसे पॉसिबल है। मेरा जॉब भी थोड़ा टिपिकल है,
और जॉब के साथ साथ कैसे मैं कर सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर आज, बहुत सारे लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कर रहे हैं, काफी लोगों ने तो जॉब के साथ पार्ट टाइम शुरू किया था, आज बढ़िया फुल टाइम भी कर रहे हैं। ओके वेरी गुड, वैसे क्या करते हैं सर, थोड़ा जान सकता हूँ आपके बारे में? जी सर, मैं जॉब करता हूँ ऑयल फील्ड में, जो जमीन से तेल और गैस निकलती है, तो उसी फील्ड में हूँ एज ए स्टोर ऑफिसर। राजस्थान बाड़मेर में हूँ इस टाइम पे। रिस्की जॉब है क्या आपका? सर रिस्की तो नहीं है, बट थोड़ा सा रिस्की समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा तो ऑफिस वर्क है लेकिन साइड पे ही रहना पड़ता है, तो वहाँ पे कभी भी गैस लीकेज या ऐसा कुछ रिस्की रहता है, बट चांसेस कम होते हैं, सेफ्टी अच्छा, ज़्यादा रहती है। ये जो सवाल था, रिस्की है क्या आपका जॉब, ये स्क्रिप्ट में होता है क्या नॉर्मल? नहीं होता है सर। ये अंदर से आता है, मैं कस्टमर की जिंदगी में घुस रहा हूँ, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। क्या बिल्ड हो रहा है? अब आप रट्टे हुए होते ट्रस्ट। तो क्या करते? आप रट्टू तोता होते तो अगला वही सवाल पूछते जिससे वेबिनार में लाना है, बस जल्दी से काम करके। मेरे को लगा कस्टमर बता रहा है, मैंने को भी लगा ऑयल में काम करता है 13 इंच 12 इंच, तो मैंने पूछ लिया जॉब रिस्की है क्या, तो बोला नहीं है मैं काम करता हूँ। अच्छा वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छी बात। तो सर जी विवेक सर को सर, कब से जानते हैं? सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, 6 महीने से लगभग मैं देख रहा हूँ उनको। अच्छा, अभी अभी 6 महीने से देख रहे हैं, कैसा लगता है सर को सुनते हुए? अच्छा सर सुनते हुए तो बहुत अच्छा लगता है उनको। और बेसिकली सर मैं बताऊँ आपको, मैंने सोनू शर्मा जी का वेस्टीज का वो देखा था, मीटिंग वगैरह भी देखा था, तो उनका भी काफ़ी अच्छा लगा, उनको मैं काफ़ी पहले से फॉलो करता हूँ। इसको अगर सुनू मुझे सर, जी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया लगते हैं उनके वीडियो। इसे बोलते हैं रेपट, क्या बोलते हैं, तोता कॉपी कर दो जो कस्टमर बोले, क्या बोलते हैं रितेश सर इसको, थोड़ा अनम्यूट करके बोलो भाई, अंग्रेजी कमजोर है मेरा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आप, कोस्ट नहीं हो आप? अरे यार बड़ा परेशान आपको, आपसे इतना अन्याय कर रहे। रब ऑफ इफेक्ट, रब ऑफ इफेक्ट, रब रब ऑफ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है। हाँ ये लिखा किसी ने, रुचिका मैडम है इस मीटिंग में, पढ़े लिखे लोग आए हैं इस मीटिंग में, धन्यवाद। तो मिररिंग मैचिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना? तो मैंने क्या करा, मैंने इनने बोला हाँ सोनू शर्मा, तो मैंने बोला यस मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं यार, बहुत जबरदस्त बोलते हैं, उनकी आवाज तो यार सर बहुत ही अच्छी है। चलिए आगे। अच्छा यस एक सर, चीज ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है, मुझे सच में पसंद है, मैंने उनको सुन रखा है तभी बोलना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि और सर ने बोला है तो उसने बोला, मैं तो दिलीप कुमार के गाने सुनता हूँ, तुम दिलीप कुमार नाम के आदमी को भी नहीं जानते ना, तुमने उसे गाने सुना तो, अरे क्या गाते हैं सर, क्या क्या मतलब क्या गाना गाते हैं, अब पता ही नहीं कौन सा गाना गाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, जिसे सुन रखा है जानते हो थोड़ा बहुत बोल सकते हो तो उसी के बारे में बोलना है। तो जैसे सोनू शर्मा को मैंने उनके वीडियो सुन रखे, थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला दी, तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कि हाँ रेप वो करना है तो जबरदस्ती भी कर रहे हैं, बिल्कुल सर, है ना, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो पकड़ में आ जाता है, झूठ पकड़ में आ जाता है तो उसमें नहीं जाना। चलिए तो बहुत अच्छा सर, तो सोनू सर को सुनते थे आप? वेरी गुड, अभी विवेक सर सर। को भी सुन रहे हैं, क्या बात है। तो कितना समय मिल जाता है सर जॉब के बाद? सर जॉब टाइम पे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा 21 डेज ड्यूटी है, तो 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, और आने अच्छा जाने में भी 1 से 1.5 घंटा जाता है, तो ऐसे ही मेरा 14-15 घंटे का ड्यूटी। आप मान के चलिए कि मैं जब निकलता हूँ जॉब के लिए और जब पहुँचता हूँ वापस रूम पे, 14 घंटे 15 घंटे हो जाते हैं ऐसे, तो उस टाइम पे तो नहीं है, बट 21 डेज के बाद में 21 डेज मेरा ऑफ है, मैं घर पे अच्छा रहता हूँ। यस ये कैसा जॉब है सर, मजेदार जॉब है, 21 दिन काम 21 दिन छुट्टी, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। कमाल का जॉब है, बढ़िया कमाल का जॉब है। कितना मिल जाता है आपको? सर वही 35,000 है, कट छट के मेरा लगभग 32,000 समथिंग आ जाता है। अरे वाह सर, बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप बहुत अच्छे से डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है अगर इसको अगर आप अच्छे से समझ में आ गया तो आप तो बढ़िया कमाल कर देंगे, बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले से, विवेक सर क्या काम करते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा काम करता है, इसके बारे में कुछ सुन रखा है पहले से आपने? नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट भाई सर देखा था कि अर्निंग लाखों लोग कमा रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था, देखा मैंने हाँ वीडियो में और अच्छा काफी सारा यूट्यूब पे भी देखा मैंने बाद में, तो देखा ये समझ आया कि लाखों रुपए कमा रहे हैं, बट कैसे कमा रहे हैं, कैसे हम कमाएंगे, वो चीज समझ नहीं पाए। अच्छा, बाकी सब चीजें समझ में आ गई, कैसे कमाएंगे ये नहीं समझ में आया।
तो सर इसको समझाने के लिए मैं आपको काफी कुछ वीडियो वगैरह भी शेयर कर दूंगा। यस हमारी सर, मीटिंग भी होती है शाम के टाइम, 7:30 बजे का टाइम रहता है, जिसमें जिन लोगों ने ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं वो लोग आते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं, आपके सारे सवालों के भी जवाब देते हैं, पूरी क्लियरिटी देते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो वगैरह भी भेजूंगा, तो उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। तो शाम को समय मिल जाता है कुछ जॉब के बाद? नहीं सर शाम को तो मेरा 7:15 पे मीटिंग रहता है और हैंड ओवर होता है। इसके बाद हम निकलते हैं तो नेटवर्क का भी इशू है इधर राजस्थान में, तो अच्छा, मैं 8:30 बजे 9 बजे पहुंचता हूँ रूम पे। किस समय फ्री रहते हैं आप ज्यादा? सर मैं दोपहर में 2-1-2 घंटे का टाइम निकाल सकता हूँ लंच टाइम पे, अच्छा, अदरवाइज मॉर्निंग इवनिंग में तो पॉसिबल नहीं है सर। तो आप ऐसा करो, मैं आपको ना रात को, आप जब जाते होंगे ना, आपने बताया आप डाउन भी करते हैं, आप तो खाली टाइम मिलता होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे सर रिप्लाई कर दो, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दे देता हूँ, वो सारे देख लो, उससे एक तो आपको 50-60% क्लियरिटी मिल जाएगी, और जो ओके चीज सर समझ में आएगी ना, आप दोपहर के 2 बजे के टाइम फ्री रहना, मुझे बता देना, मैं आपको 1 घंटा कॉल पे सबको समझा दूंगा। बिल्कुल सर तो आज आप सारे वीडियो देख लो, जिससे आपके मन में देखो 20-21 सवाल होंगे अभी, उन 20-21 सवाल में से 15-17 सवाल आपके दूर हो जाएंगे, वीडियो वगैरह जो मैं भेजूंगा ना, कंटेंट भेजूंगा, हमारा जो वेबिनार होता है ना उसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं उसकी पूरी बिल्कुल रिकॉर्डिंग, सर तो वो पूरी रिकॉर्डिंग भी आप देख लो, और यस कल सर हम फॉलो बात कर लेते हैं, और जो भी आपके डाउट होंगे दूर करके शुरुआत करा देता हूँ आपकी। जी सर अभी डेफिनेटली। अभी कुछ पूछना है? नहीं सर आप वीडियो सेंड करेंगे तो पहले उसको देखता हूँ समझता हूँ, इसके बाद फिर हम बात करते हैं अच्छा, तो तो वेरी ज्यादा समझ में आ पाएगा। गुड वेरी गुड। तो मेरा नाम आप अश्विनी दाने सेव कर लो, मैं बेसिकली ना भोपाल से, भोपाल का नाम सुना आपने? तो यस सर बिल्कुल सुना है सर, मैं भी बेसिकली कानपुर से ही हूँ, अच्छा, जॉब कानपुर करता हूँ से, बाड़मेर में। यस सर अच्छा राजस्थान में जॉब करते, यूपी के वहाँ? यस यस अरे वाह, क्या बात है सुनील भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मैं भी भोपाल के पास सीहोर है, सीहोर में हूँ, कभी आप इधर आए भोपाल सीहोर तो मिलिए जरूर, है ना? बिल्कुल सर जरूर जरूर मिलेंगे। और बेसिकली मैं सर सर ये और पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे जी 21 डेज जी में कौन काम नहीं करूंगा इसमें, और 21 डेज में जब घर पे रहूंगा तभी काम कर पाऊंगा, तो पॉसिबिलिटी है क्या? अरे सर, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है सर, 21 डेज में भी जो आपके सफर का, अभी आने जाने का जो सफर होता है ना, उसमें आपकी कैसे लर्निंग कराएंगे वो भी करा देंगे, और ये 21 डेज में आप अर्निंग करें कम, सर सारी पॉसिबिलिटी है, बड़ा बिजनेस तो बिजनेस ही ऐसा है कि कैसे भी किया जा सकता है, ओके सर कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और हम तो ट्राई करेंगे कि 3-6 महीने में आपकी इतनी कमाई करवाए बड़ा बिजनेस से, कि आप 21 डे के लिए जाते हो वो भी जाना बंद कर दो। हाँ, सर यही तो चाहते हैं क्योंकि बहुत परेशान हो गए जो से। अब आया दर्द, तो बिल्कुल सर यही तो होता है सर, हमारे साथ एक रितेश जी आए थे, रितेश जी थे, वो जॉब करते थे सर, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते थे, 10-12 घंटे पढ़ाते थे, मतलब 12-12 घंटे पढ़ाते थे, फिर वो हमारे साथ आए, बोले यार 12 घंटे तो पढ़ाता हूँ तुम्हारे साथ, कब काम करूंगा? तो मैंने पूछा किस दिन नहीं पढ़ाते, बोले संडे के दिन नहीं पढ़ाते, हमने कि संडे जी संडे काम करेगा, तो संडे संडे उन्हें शुरू किया, 3-4 महीने जरूर लगे उन्हें, और आज सर वो बिल्कुल नहीं सर पढ़ा, पहले फुल 700 रुपये टाइम 700 रुपये घंटा मिलते थे, तो 5-7 हज़ार रुपये दिन के कमा लेते थे, 20-21 दिन में लगभग लगभग 1-1.25 लाख रुपये कमाते थे, आज छोड़ दिया सर, आज 4 से 5 लाख रुपये महीना कमाते हैं, तो अगर आप क्या मेहनत बात करोगे है तो बिल्कुल यार, बहुत लोग है सर, एक सुमित जी है वो जॉब करते थे जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे हमारे एक राम अहिरवार जी, वो HEG कंपनी में जॉब करते थे, तो जी सर आज वो फ्री हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, मिलवाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मैं अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं जो है ना, पहले क्या बोलते हैं, मार्केटिंग में जॉब करता, जी सर 1,000 मिलते थे, धूप में बहुत थकना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे थोड़ा 5-6 महीने लगा इस बिजनेस में, और आज मैं पार्ट मतलब अच्छे कर रहा हूँ, अभी भी जॉब कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है अगले 2-3 महीने में, आप जैसे कुछ लोग आप में से जॉब कर रहे होंगे, और आप बोलोगे सर मैं कैसे बोलूंगा कि मेरी तो छुट्टी नहीं, तरीके छूट जाएगी, तो अब देखो इसका भी तरीका, कि मुझे थोड़ा टाइम लगा सर, शुरू में मैं टाइम नहीं निकाल पाया, पर अभी मुझे लगता है अगर मैं जिस हिसाब से अभी काम कर रहा हूँ ना, तो अगले 2-3 महीने में मैं भी जॉब से फ्री हो जाऊँ। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर मैं भी यही बढ़िया चाहता हूँ। बढ़िया, साथ में फ्री हो जाएंगे दोनों। बिल्कुल सर बिल्कुल चलिए आप भेजिए, अच्छा लगा आपसे बात करके सुनील भाई, कभी बाड़मेर साइड बिल्कुल आएंगे तो फिर चाय पियेंगे साथ में।
बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अभी हाई सेंड करता हूँ और आपकी वीडियो सेंड कीजिएगा सर, वीडियो देखता हूँ फिर कल बात सारे करते हैं। वीडियो, सारे फ्लायर, सारी ब्रोशर सब देख लो, इसके बाद एक घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग सेशन देता हूँ। रात को तो आपको टाइम मिलता नहीं है, कल दिन में 2 बजे आपको टाइम मिलता है, कल दिन में मैं आपसे बात करता हूँ, आपके जितने सवाल बचेंगे दूर करता हूँ, और कोई डाउट बचेगा तो अपने यहाँ मैनेजर होते हैं, सीनियर होते हैं, मैं सीनियर से भी बात करा दूंगा, और मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो भी भेज दूंगा जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या लगता है ना, सुनील जी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, कोई गड़बड़ आदमी तो नहीं है, कोई फर्जी आदमी तो नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे वीडियो भी भेज दूंगा विवेक सर के साथ के, कुछ इमेजेस वगैरह भेज दूंगा, तो आपको भरोसा भी हो जाएगा। ठीक यस है, सर, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो निश्चिंत रहिए सुनील जी, बहुत अच्छा लगा, देखो सब भगवान योग मिलाता, आज आपके साथ बात करने का योग लगा था, आपसे बात हो गई, बहुत बढ़िया, जी सर, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचते हो हर कस्टमर पैसे देगा, हमें पता है जो देगा बस उससे लेना है, यस सर, बिल्कुल दे सकता है उससे लेना, आप हर किसी में उतना ही एनर्जी लगाते हो, उतना ही टाइम लगाते हो, उतना ही सब लगाते हो, आप कस्टमर को छाट नहीं पा, इसलिए रोज ट्रेनिंग लीजिए और थोड़ा 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 हो जाएगा काम, हो जाएगा, रटना बंद करो, सीखना शुरू करो, समझना शुरू करो। आज की ये 2 रिकॉर्डिंग मुझे उम्मीद करते आपके काम आएगी, सुनील जी की